चार कीमती रतन जो जिंदगी के सारे दुख दूर कर दें। एक बार एक बूढ़े संत ने अपनी अंतिम घड़ी नजदीक देख अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें चार कीमती रतन दे रहा हूँ, तुम पूरी जिंदगी इनकी सहायता से अपना जीवन आनंद में तथा श्रेष्ठ बनाओगे। पहला रतन माफी, तुम्हें कोई कुछ भी कहे तुम उसकी बात को कभी अपने मन में न बिठाना और न ही उसके लिए कभी प्रतिकार की भावना मन में रखना, बल्कि उसे माफ कर देना। दूसरा रतन भूल जाना अपने द्वारा दूसरे के प्रति किए गए उपकार को, भूल जाना कभी भी किए उपकार का प्रतिलाभ तुम्हें मिले और ना ही कभी मिलने की उम्मीद रखना। तीसरा रतन विश्वास, हमेशा अपनी मेहनत और उस परमपिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उस श्रेष्ठ नियता के विधान में नहीं लिखा होगा। परमात्मा पर किया विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर संकट से बचा पाएगा और सफल बनाएगा। चौथा रतन वैराग्य, हमेशा ये याद रखना कि जब हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही हमें एक दिन मरना ही है, इसलिए कभी किसी के लिए अपने मन में लोभ मोह न रखना और बिना किसी मोह माया के अपने पथ पर चलते रहना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक तुम ये चार रतन अपने पास संभाल कर रखोगे तुम खुश और प्रसन्न रहोगे और कभी भी जिंदगी में किसी प्रकार का दुख और संकट नहीं आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।